अच्छा प्रणाम गुरुजी, अगली बार आएगा और हमारे लिए टोपी जरूर लाइएगा। आऊंगा जरूर बच्चा, लेकिन हमने जो जो कहा है उन सब बातों को मानना, फिर देखो जीवन का आनंद, ले पटाखा दे सटाका। अरे गुरुजी आपने जो कहा ना हमें सब याद, हम सब फॉलो करेंगे। हुशी। जैसे कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो हम तब तक आगे ना बढ़ेंगे जब तक कोई और आगे ना बढ़ जाए। और क्या सिखाया मैंने? और सिखाया कि अगर कोई पीछे से टोके तो मुड़ के ना देखे, और अगर कोई छींके तो वो अपशगुन होता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन चूंकि मंगल की दशा शनि के सप्तम ग्रह में प्रवेश कर रहा है, इसलिए तुम्हारा जीवन का उद्धार तब होगा बच्चा जब तुम कन्याओं से दूर रहोगे। हाँ, ये तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं। हाँ तो हम भी गुरु हैं, कोई सलमान खान थोड़े है। अगर कोई लड़की ही तुमसे आके पीछे से लिपट जाए और कहने लगे कि हमसे शादी कर लो तो फौरन हाँ कर देंगे। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। आप तो रूठ गए गुरुजी, मना कर देंगे, ना कर देंगे, बोलेंगे नहीं करनी शादी। क्योंकि अगर तुमने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दिया तो समझ लो हो जाएगा जीवन का ले पटाखा दे सटाका। चलिए निकले गुरुजी, रिक्शा रुकी आपके लिए बाहर। याद है ना शादी नहीं करना? याद है, याद है, चलिए। मैडम सर अंधविश्वासी हो गए। हाँ मैडम, अभी एक बाबा आए थे सर के पास और वो बाबा आके उससे कह रहे थे कि वो किसी भी लड़की से प्यार ना करें, किसी लड़की से शादी ना करें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका दे पटाका ले सटाका हो जाएगा। अरे बेट यार घूमो मत यार, चक्कर आ गया मन ने कतई। या मॉम, सर हो गए हैं घोर अंधविश्वासी, इसदा ठंडा पानी पीने से आ सकती है खांसी, इसदा है। यार जरा डिस्टेंस मेंटेन रखो यार, या तो फिर नहा के आया करो। क्या बात कर रहे हो, मतलब ये तो बहुत ही घटिया बात है यार। सर एक जिम्मेवार पुलिस अफसर होके इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मतलब अंधविश्वासी हो गए। सर को निकालना होगा चौकी से। चौकी से ना, बल्कि अंधविश्वास के चंगुल से। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला पहाड़ी टीला एडिया आ रहा है। तो पहाड़ी के टीले से तैने पुश कर दूंगी, फिर देगा एडिया। कोने में तो आइए। हाय। मेरा मतलब है आइडिया सुनिए मैडम। मैडम अगर कोई लड़की सर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और प्यार के जाल में फंसा के सर से शादी कर ले तो सर का ये अंधविश्वास टूट जाएगा। बस हमें एक ऐसी लड़की की जरूरत है मैडम, और वो लड़की होंगी आप। एक्सक्यूज मी मैडम, वेदर क्लाउडी है, अक्षर राउडी है। तू कौन है राठौड़? राठौड़ नहीं मैडम, तोड़फोड़। हमारे घर की तिजोरी की तोड़फोड़ हो गई है, उसने हलवा है। अरे कौन सा हलवा है, मतलब मूंग दाल का हलवा है कि गाजर का हलवा है कि आटे का है कि खिचड़ी? आओ सूजी तो मेरा नाम है। अच्छा तू सूजी है तो यो कौन है, बेसन? अरे नहीं नहीं मैडम, मैडम मैं हूँ आटा, आटा अथर्रा वाला। वेदर क्लाउडी है, अक्षर राउडी है। वाला व्हाट इज द मैटर, इज द नोएडा है ग्रेटर, इज द हाय हाय। ओहो क्या बात है,
पालम एयरपोर्ट से सीधा ग्रेटर नोएडा वो क्या आटा सूजी तुम्हें क्या सूजी कि तुम जो है चौक का छोड़ के चौकी में आ गए हो वो आटा तू बता रहा है यहाँ गड्ढा खोदे यही खड़ा रहेगा बता हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है रातों रात लुट गए हुस्न हलवा है दरअसल बात यह है मैडम कि गोया हम एक पार्टी में गए थे अपने बच्चे और गहना को घर छोड़कर और जब हम वापस आए तो मैडम हम चुनाचे देखते हैं कि घर से कैश जेवर और गहना सब गायब है एक वेदर क्लाउडी है अक्षर राउडी है अरे मैडम हुआ ये कि हमारे घर में एक नौकरानी है गहना वो हमारे घर के गहने और जेवर लेके फुर रो गई और इसने देखा है ए वॉचमैन बता आए हैं तो हम बताएंगे ना नमस्ते मैडम अभी क्या है मैं हूँ परवाना पांडे चीन जापान में है पांडे क्या बात है पांडे वेरी गुड थैंक यू सर थैंक यू मैडम क्या है कि गहना से हम बहुत प्यार करते हैं मतलब हम गहना के दीवाने हैं बस खड़ा रह के बोल ले मतलब मतलब मत कर मैडम हम गहना के दीवाने हैं गहना से बहुत प्यार करते हैं मैडम उसको किसी के साथ देख नहीं सकते लेकिन क्या है गहना मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालती मैडम किसी छिछोरे आवारा लड़के के साथ घूमती रहती है मैडम और मैं गहना को किसी और के साथ देख नहीं सकता मतलब मैं उसको पता नहीं क्या मैं उसको किसी और के साथ देख लेता हूँ मेरी आंखों में ये बिलबिली आंखें ना खून खोल जाता है मेरा मैं गुस्से में आ जाता हूँ मैडम मेरा क्या है मैं गुस्से में घर जाके मैडम 3 किलो गीली वाली खिचड़ी खा लेता हूँ चीन जापान में है खुल के बोल ले साइको वरना चीन तो जापान में थारी जिंदगी का थाईलैंड में हांगकांग में कर दूंगी मैं बोलना यार मैडम मैंने देखा गहना घर में अकेली पिट के मानेगा नहीं नहीं फिर मैंने उसके घर में किसी साये को देखा बस मैडम फिर मेरा मेरा दिमाग सनक गया मैडम मेरे जल भुन गया मैं आग बबूला हो गया और घर में फिर से जाके मैंने 3 किलो खिचड़ी खाई इसका मतलब वो गहना के साथ कोई और था जिसके साथ मिलके उसने चोरी करी है पार्टनर इन क्राइम करेक्ट मिस चौटाला करेक्ट अबे ओ नकली पांडे गहने का घर जानते हो ना अबे ओ एड़े यही घर है ना गहना का अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर मैं अपने घर का पता भूल सकता हूँ लेकिन गहना का नहीं पता है आपको मैंने तो कई बार उसका घर तक पीछा किया है ड्यूटी छोड़ के सर मैं बुलाऊंगी एक बार अबे ओ एड़े खड़े रहे बे जगह पर एक बार बस चुप गंदे आदमी बिल्लू बुला बे क्या कर रहा था सॉरी अंकल हेलो पुलिस पुलिस एक मिनट अरे असंती हो अरे देखो पुलिस आई है रो बता तुम्हारा आंटी को मैं हट 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 तुम बाप हो रहे हो ये बता सा टूट गई है आशा अरे अपनी बिटिया गायब है गई है और तुम्हारे मन में चिंता की ट्यूबलाइट भी ना जल रही पालक पीस के धर दूंगी अरे कचोड़ी बात ना खींचो इतनी लंबी चौड़ी तेल की शीशी खाली है तुम बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना हाँ पालक पीस के धर दूंगी हेलो आंटी हेलो अंकल सब ठीक ठाक कैसे हैं आप हेलो भतीजे सब ठीक ठाक है ये ठीक है हाँ। अंकल गहना है हाँ गहने तो बहुत है घर में मतलब अच्छा गहना यू मीन टू से गहना मींस माय बेटी माय डॉटर कचड़ी लो एक और चाहने वाला आ गया गहना का हाँ तेल की शीशी खाली है अरे तुम थोड़ी देर अपनी जबान पे बर्फ नहीं जमा सकते हाँ देखना रे पुलिस वाले आए अच्छा हुआ भैया आप लोग आ गए हमारी गहना तो गायब है गई है पालक पीस के धर दूंगी गहना के बारे में पूछो ना अबे गंदे हाथ हड़ हम सब पूछ रहे
सुनो भैया, हम गहना के बारे में जरा पूछताछ करने आए, जरा बताओ उसके बारे में कुछ खबर है आपको? हाँ पता है ना, वो तो मर गई। क्या? कब, कहाँ, कैसे, क्यों? नहीं, माने मेरा कहने का मतलब है कि वो हमारे लिए मर गई है, क्योंकि वो है ना बार बार घर से भाग जाती है, और इस बार तो वो गधे के साथ भाग गई है। अरे तुम्हारी रामायण तो महाभारत पे जाके खत्म होगी है। सीधे सीधे ना कह सकते कि सूरज के संग भागी है? सूरज को गधा कह रहा हूँ मैं, जिसके संग हमारी बिटिया का टिंचू टिंचू टाएं टाएं चल रहा था। है? पालक पीस के धर दूंगी। वो सूरज के साथ भाग गई है। तो आपके हिसाब से वो सूरज के साथ भाग गई, लेकिन आपको शायद ये बात पता नहीं है कि जिस घर में वो काम करती थी वहां से वो थोड़े जेवर और दागीने लेकर भी भाग गई है, और जिसकी FIR हमारी चौकी में लिखवाई गई है। और एक और बात है कि जब वो भागी है तो उसके साथ एक आदमी देखा गया है। अरे भैया, वो लड़का है ना सूरज, उसी ने बरगलाया होगा हमारी गहना को, वरना हमारी गहना बिल्कुल ऐसी नहीं। पालक पीस के धर दूंगी। अच्छा आंटी एक मिनट, आप लोगों के पास वो सूरज नाम के जो लड़का है उसका कोई एड्रेस है? नहीं, वो सूरज का पता हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि वो कहीं टिमर कंटोला में रहता है। टिमर कंटोला? मैडम मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि जब किसी आशिक को जलन मचती है ना, वो जलता है भूनता है तो वो खिचड़ी खाता है। अब उस वॉचमैन को देखिए आप, उसने जल के भून के खिचड़ी खाई ना, और अभी भी खा रहा है वो खिचड़ी, खा रहा है। कई साल पहले की बात है मैडम, मेरी एक पड़ोसन ने मेरा दिल तोड़ा था, और मुझे याद है मैडम, तब मैंने भी रोज खिचड़ी खाई थी, रोज घपा घप। या मॉम, खिचड़ी होती है टूटे दिल की प्रेम परीक्षा इसदा, उसके बाद कुछ खाने की नहीं होती इच्छा इसदा। अबे तो मैं क्या करूं यार, मन ने क्यों बता रहे हो यो सब? हाँ यार, क्योंकि मैडम सर मालपुआ खा रहे हैं, उनके अंदर इश्क की जलन कुछ उठ ही नहीं रही है। मैडम मैं क्या कहता हूँ कि आप किसी और से सेट हो जाइए, मतलब किसी और के साथ में सर के सामने आइए, फिर देखते हैं कि सर को जलन मचती है कि नहीं मचती है। और अगर सर को जलन मची तो वो खिचड़ी खाएंगे, और अगर वो खिचड़ी खाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि उनके दिल में भी आपके लिए इश्क का पुलाव पक रहा है। वाओ 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 वाओ। सही है, तो सुनो क्या करना है। बंद करो हमिंग इज द सर इज कमिंग इज द हम तुम तीनों से नाराज है, लेकिन इतने भी खफा ना है। मुंह लटका के खड़े हो तुम तीनों? सर मुंह लटका के नहीं खड़े रहे तो कैसे खड़े रहे सर? सर मैडम की वजह से हमारी इज्जत का टमाटर फूट चुका है सर। शर्म आ रही है? क्या बोला बे? शर्म आ रही है सर मुझे, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि आज तक हम उन मैडम के लिए काम करते आए जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को सर बोल 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 बेच खाया। या सर, मम्मी जी ने हम सब की कटवा दी है नाक इस दा, इस बारे में आई डोंट वांट टॉक इस दा। गुड गुड, हम तो पहले से ही कह रहे थे तुम तीनों को, भाई तुम ही सपोर्ट कर रहे थे मिस्टर चौटाला को। yeah. अब क्या कर दिया भाई उन्होंने? क्या कर दिया सर, क्या कर दिया, पूछे क्या नहीं किया, क्यों किया, किसके साथ किया। क्या किया, क्यों किया, किसके साथ किया, बताओ। अबे भुलक्कड़ बिल्लू बता बे। भूला कौन बिल्लू? लाला हम ईमान चौकी का। बोल बे बोल बोल। सर मैडम
मैडम किसी के पास से पट गई सर, मतलब सेट हो गई है, फंस गई है, किसी और के इश्क की मधुमक्खी बन के भन्ना रही है वो। बकवास है बकवास है, हो ही नहीं सकता, किसके साथ बे, कौन है? सर आप सुन सकेंगे? सर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, सुख के बादल हट जाएंगे, आप टेंशन से घट जाएंगे। बता बे। या सर, शीज वॉचमैन इज द, जिसके बिना मॉम को नहीं है चैन इज द। अबे बकवास है बे, सब बकवास है। कौन सा वॉचमैन बे? वही है सर, वही चीन जापान है। आपका पांडे, ये आपका। अबे बस कर रहे वो सर मैडम को, सर आप पान खाते रह गए, वो मैडम को जापान ले गया। और सर मैं पक्की खबर लाया हूं, अगर अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आज शाम को चौकी में दोनों मिलने वाले हैं। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। लाला भूला। देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, और जब तक अपनी आंखों से देख ना ले, हम यकीन ना करेंगे। वॉचमैन बे, वॉचमैन नहीं, हम तो ऐसे ही। बंटी, अरे सनी को हमारी तरफ से हाय बोलना है। ओके बाय बाय। अरे भाई दरवाजा खुला है, आ जाओ। और भैया सब ठीक हो? ये तो बताइए कि आप, मतलब तुम, मतलब तू सूरज है क्या? हाँ हाँ, अरे सूरज सतंगी हम ही है, लालटेन बुझा दूंगा। लालटेन मैं बुझा दूंगा करके कहाँ है कहना? अरे भैया हम तो खुद ही बड़े परेशान हैं कि वो कहाँ है। एक बात बताओ बे, तुम्हारा गहना के साथ कोई लफड़ा वफड़ा है क्या? हाँ साहब, ये लफड़ा वफड़ा तो है हमारा उसके साथ, लेकिन हमको पता नहीं कि गहना कहाँ है। देखो ऐसा है कि गहना अपने मालिक के घर से जेवर और कैश लेकर भागी है, और वॉचमैन ने बताया कि वहां पर उसके साथ एक लड़का भी था, वो लड़का तुम ही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हम वो नहीं हैं। अरे साहब जी, अरे क्या है ना कि 3 दिन से तो हम खुद ही जो है लुटेरा नर्सिंग होम में जो है अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अरे हाई फीवर के कारण जो है हम वहां पर एडमिट थे। और एक चीज बताएं, अगर हमारी आप बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, तो आप डॉक्टर साहब की वाइफ से पूछ लीजिए। डॉक्टर की वाइफ से क्यों पूछे? वो क्या है ना साहब जी कि वो जो है पूरी रात, अरे हमारे मत्थे पे जो है पानी की पट्टियां रख रही थी। हाँ लालटेन बुझा दूंगा। ये वो सूरज नहीं है जो उस रात को गहना के साथ था, तो फिर उस रात वॉचमैन ने किसका साया देखा गया?